दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन टेबलेट के बारे में, जानेंगे ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या है, साथ ही किस नाम से आप मेडिकल स्टोर से इस दवा को खरीद सकते हैं, इस दवा के वास्तविक यूज क्या है जानेंगे पूरे डिटेल में, साथ ही इसकी डोज कितनी मात्रा में आपको लेनी होती है और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ट्रिप्सिन तथा कीमोट्रिप्सिन एक प्रकार के एंजाइम है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। ये हमारे शरीर द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, लेकिन कई बार आवश्यकता पड़ने पर हमें बाहर से भी दिए जाते हैं, जो कि ट्रिप्सिन तथा कीमोट्रिप्सिन कॉम्बिनेशन के टेबलेट फॉर्म में दिए जाते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है टेबलेट की 1,00,000 IU, जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनेशनल यूनिट में मापी जाती है, इसे मिलीग्राम में नहीं माप सकते। इसके अगर ब्रांड नेम को जाने किस किस नाम से मार्केट में मिल जाती है, तो वैसे बहुत ही कम इसके ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, फिर भी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कीमोराल फोर्ट टेबलेट, सीटी टेबलेट, काइमेड फोर्ट टेबलेट, काइमोजिप टी टेबलेट, टॉप ट्रिप टेबलेट, ये कुछ इसकी ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल, और हो सकता है आपके एरिया में कोई और नाम से अवेलेबल हो, क्योंकि ब्रांड नेम अलग अलग और हो सकती है, लेकिन जो दवा का मूल नाम रहेगा ट्रिप्सिन तथा कीमोट्रिप्सिन ही रहेगा और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 1,00,000 IU ही रहेगी। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो यह जो टेबलेट है आपको 9 से 10 रुपये प्रति टेबलेट सभी ब्रांड्स की मिल जाती है। अलग अलग ब्रांड्स की जो पैकिंग रहती है अलग अलग रहती है, कोई टेबलेट जो आती है 20 की टेबलेट एक स्ट्रिप में आती है, किसी ब्रांड की 10 टेबलेट एक स्ट्रिप में आती है, तो स्ट्रिप की MRP अलग रह सकती है, लेकिन जो प्रति टेबलेट जो मूल्य है वो आपको 10 रुपये रहेगा। और इस पर कुछ डिस्काउंट पाने के लिए आप ऑनलाइन फार्मेसी से खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ 8 से 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अब इसके यूज़ को जानते हैं, क्या क्या इसके यूज़ रहते हैं, क्या क्या इसका वास्तविक यूज़ है। दोस्तों अभी तक आप ये जान ही गए होंगे ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन एक एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाले एंजाइम है, टेबलेट है, जो कि हमारे टिश्यू को सूजन को ठीक करने के लिए तथा टिश्यू को हेल्दी रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारे कई दोस्त हैं जिनको ये भ्रांति थी, ये कि उनको गलतफहमी थी कि इस दवा का जो प्रयोग है दर्द को खत्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस दवा का प्रयोग सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसके हम आगे यूज जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दांत में जड़ों में सूजन आ गई हो, मसूड़ों में सूजन आ गई हो, तो उस समय डेंटिस्ट द्वारा यह टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही एडिमा नाम से एक बीमारी रहती है दोस्तों, जिसमें आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, स्पेशली आंखों के नीचे, इसमें भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको चोट लग गई है, जिसके कारण उसके टिश्यूज में ब्लड क्लोट हो गया है, और सिंपली उसको अगर देखें तो आपके जहीं पर चोट लगती है तो ग्रीन ग्रीन कलर की स्किन हो जाती है, उसे हम ब्लड क्लोट कहते हैं, और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, उस समय भी ये ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है। और कोई मेजर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी को बर्न केस हो गया हो, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई ऐसी चोट लगी जिसे बहुत ही ज़्यादा टांके आए हो, बाइक से गिरने से बहुत ज़्यादा स्केस मतलब खरोचे लग गई हो, तो उस समय भी यह दवा दी जाती है, जिससे कि टिश्यूज की सूजन है उसको खत्म किया जा सके। और इसके अलावा महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं इसका बहुत ही अच्छा उपयोग लेते हैं, स्पेशली उस समय जब महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है, उस समय यह दवा ऑपरेशन के बाद में महिला को दी जाती है, जिससे कि उसके ऑपरेशन के बाद जो सूजन रहती है वो खत्म की जा सके। इसके अलावा यदि कोई महिला जिसकी सीजेरियन डिलीवरी हुई, मतलब ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, तो उसे भी यह दवा दी जा सकती है। साथ ही वेजाइनल डिस्चार्ज में, वेजाइनल इन्फेक्शन में, या उसको ओवरी का इन्फेक्शन हो गया है जिससे सूजन आ गई है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा महिला को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये कुछ महिलाओं में प्रयोग ली जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, जिसे हम कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, जो आंखों में काला पानी रहता है, लेंस है वो डालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद भी यह ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन टेबलेट मरीज को दी जाती है, जिससे कि आंखों से संबंधित जो सूजन है वो ठीक की जा सके। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको मसल्स में इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स में, जो हड्डियों का जॉइंट है उसमें इन्फ्लामेशन है,
तभी यह दवा बहुत ही अच्छी असरकारक है। ब्रीथिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे लंग्स में उसको स्वेलिंग हो गई है, यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत है तो भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल मैंने कुछ यूज़ बताए। इसके अलावा भी यदि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोई भी हो, सूजन संबंधी टिश्यूज़ में बीमारी हो, तो उसको ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा अच्छी प्रिस्क्राइब की जाती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों यूज़ जानने के बाद अब बढ़ते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में आपको लेनी होती है। सामान्यतः इसकी जो डोज रहती है दिन में एक टेबलेट से लगाकर दो टेबलेट दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर मरीज को 3 से 4 टेबलेट भी दी जा सकती है, जो 5 से 6 घंटे के गैप से दी जाती है। और इस टेबलेट को आप खाने के पहले तथा खाने के बाद दोनों ही समय में ले सकते हैं। यदि आप खाने के पहले लें तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और इसके साथ में अदर पेन की टेबलेट भी दी जाती है, जो उस कॉम्बिनेशन में आप इसको ले सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसका कुछ डोज का सेक्शन था। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है, नो डाउट सूजन को खत्म करने के लिए, लेकिन प्रत्येक दवा के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं जिसमें व्यक्ति को एब्डोमिनल अपसेट रहेगा, पेट में उसको दर्द हो सकता है, साथ ही डायरिया दस्त उसको हो सकती है, व्यक्ति को पाचन जो क्रिया है वो कम हो सकती है, इनडाइजेशन बढ़ सकता है, जिस कारण से उसको ब्लोटिंग मतलब खाना नहीं पचने की, गैस बनने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा आँखों में उसको दर्द होगा, आँखों में दबाव उसको महसूस होगा। दोस्तों आंखों की सूजन को खत्म करने के लिए इसको प्रयोग लिया जाता है, लेकिन जब इसका साइड इफेक्ट होता है तो जो आंखों की सूजन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक तरह का इसका साइड इफेक्ट है, यदि ऐसा आपको लगे, इसके अलावा अनवांटेड इफेक्ट आपको लगे, तो तुरंत इस टेबलेट का सेवन बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जैसे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन टेबलेट के बारे में मैंने आपको बताई है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर इसको करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लाइन आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन इसको भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले मेरे वीडियो आप देख पाए। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लाइन आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।